हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर एजुकेशन के बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मार्केट में आपको इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बट इस वीडियो के अंदर हम आपको ए टू जेड तक कम्प्लीटली डिटेल आपको शेयर करेंगे और आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या स्टेप रहेंगे इसके। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूटर। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। एरिया आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो वहाँ का आपको एरिया यहाँ पे देखना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, प्रिंटिंग स्कैनर, वेल एजुकेशन फैसिलिटी जो चाहिए आपको, और वाइट बोर्ड, नोटिस बोर्ड चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और वॉशरूम वगैरह, इन सभी की वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट्स को ओपन करें या जो रिक्वायरमेंट आपकी है इंस्टीट्यूट को ओपन करने के लिए। इसमें जो नेक्स्ट आता है वेयर टू रजिस्टर। अभी हम बात करते हैं कि हमारे को जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो कहाँ पे कराना चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी ऑलरेडी आपसे बातचीत कर चुका हूँ कि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी संस्थाएं मार्केट में आ चुकी है। कुछ लोग आईएसओ का रजिस्ट्रेशन करा के फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट स्टार्टिंग में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ना कुछ कम फीस में मार्केट में वर्क कर रहे हैं, बट जब बच्चे का सर्टिफिकेट की बारी आती है तो सर्टिफिकेट रुक जाता है, तो उनको इश्यू आता है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे को रजिस्ट्रेशन जो कराना है वो कहाँ पे कराना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को जो देखना है, कंपनी के 4P होने चाहिए। वो 4P क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? सबसे पहले होता है प्रोफाइल, मीन्स उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है जहाँ पे आप जुड़ रहे हो। सेकंड है प्लान, उस कंपनी किस प्लान के अंदर डील कर रही है, मीन्स कोर्सेज कौन से आप डील कर रही है कंपनी वहाँ पे। उसके बाद आता है पेमेंट प्लान, आपसे क्या पेमेंट चार्ज कर रही है, बच्चों से क्या पेमेंट चार्ज कर रही है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इस चीज़ के लिए। और प्रोफेशनल टीम, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है प्रोफेशनल टीम का। इन चारों टॉपिक के ऊपर, चारों पी के ऊपर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, इमैक्स एजुकेशन, वर्क विद ट्रस्ट हमारा मोटो है। सिंस 2007 से हम वर्किंग कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2000 स्टडी सेंटर पूरे इंडिया के अंदर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट के अंदर। यानी 2000 स्टडी सेंटर्स जो ऑलरेडी, जिसमें स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर चुके हैं, जॉब भी लग चुके हैं, तो ऑलरेडी वो वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इमैक्स इंडिया प्रोफाइल की। अभी मैं प्रोफाइल बहुत बड़ी है, आप इसमें कम्प्लीटली वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं, तो मैं मेन जो टॉपिक है वो क्लियर कर देता हूँ आपके। सिंस 2007 से हम वर्किंग कर रहे हैं, 2000 स्टडी सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, डेक दुबई बोर्ड से अथराइज है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से है, दर्शन समिति से है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के से है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल से है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन से है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट से भी रजिस्ट्रेशन हमारा है यहाँ पे। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है, जो प्लेस है हमारी, वो कम्प्लीटली मैं आपके सामने डिटेल शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आप वीडियो को पुश करके पूरा डिटेल से यहाँ पे विद रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्वयं के अंदर है, अंडर ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इमैक्स इंडिया है, अंडर इंडियन एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम ये फर्स्ट पी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इमैक्स एजुकेशन है, आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक आईएसओ सर्टिफाइड मैनेजमेंट है हमारी, यूके सर्ट बोर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम से अप्रूवल है हमारा, यूके एएफ से अप्रूवल है, और इसके अलावा क्यूआरओ क्वालिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल है, और मेंबर ऑफ क्यूसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से है, नीति आयोग से भी है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर से और लेबर डिपार्टमेंट और ट्रेडमार्क से भी हमारा अप्रूवल है, एनसीटी रजिस्ट्रेशन भी है। कुल मिलाकर 26 से ज़्यादा हमारी अप्रूवल है, जो आप यहाँ पे कम्प्लीटली अपनी लिस्ट पे, अपनी वीडियोस में चेक कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे आप चेक कर पा रहे हैं। जो सेकंड पी है वो है प्लान का, यानी कोर्सेज का। हमारे पास 1150 प्लस कोर्सेज हैं मार्केट, जो आप अपने इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कोर्सेज आप करा सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर जोन। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास 150 प्लस कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अंदर डीसीए, एडीसीए, टैली, जीएसटी, ऑटोकैड, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं।
सेकेंड है हार्डवेयर जोन। हार्डवेयर जोन के अंदर 100 से ज़्यादा कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें पीसी हार्डवेयर, नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, सर्वर, इस टाइप के सारे कोर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल के अंदर 850 प्लस कोर्सेज हमने इंक्लूड किए गए हैं, और इसके अंदर जो आते हैं योगा के आते हैं, मेडिकल के आते हैं, फूड के आते हैं, बहुत सारे इसमें कोर्सेज हमने ऐड किए गए हैं। सभी लिस्ट हमारी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, इसमें 50 प्लस कोर्सेज हमने रखे हैं, जिसके अंदर NTT, PTT इस टाइप के ये सभी कोर्सेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपको इन चार कोर्स के बारे में पूरी डिटेल के लिए हमारे पास जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको किस जोन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या आप किस जोन के लिए, किस कोर्स के लिए वहां पे सही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड जो आता है पेमेंट प्लान का। सिक्योरिटी अमाउंट हम वन टाइम के लिए ले रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारे पास में नहीं है, हम आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं, इसमें हम आपसे वन टाइम सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। जो सिक्योरिटी अमाउंट है 19904 लाइफ टाइम के लिए चार्ज किया जाता है, और इसके अंदर आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, रिन्यूअल फीस चार्ज नहीं करेंगे। स्टूडेंट की फीस हमारी 300 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से हम आपसे चार्ज करेंगे, और जिसमें हम आपकी हर एक टाइप की फीस इंक्लूड कर देते हैं। GST BC के अंदर इंक्लूडेड है हमारा, जिसमें एडमिशन फीस, दाखिला फीस, एग्जाम फीस, और स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट है बाय कोरियर आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। अभी जो हम बात करते हैं कि आपको इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेंगे, प्लान तो हमने 300 रुपये चार्ज कर लिए हैं आपसे, आपको इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेंगे। बेनिफिट जो मिलेंगे आपको, सेल्फ कंट्रोल एग्जाम पैनल मिलेगा जो दोनों बेस पे रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, क्योंकि आज की डेट में हम आपको रिकमेंड करेंगे ऑनलाइन मोड में सभी के सभी आए, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, तो वो वहां पे ऑफलाइन मोड से भी वर्क कर सकते हैं। राइट टू डिसाइड योर ओन फीस स्ट्रक्चर, यानी आप अपना खुद का ही फीस स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं वहां पे। ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन है, स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन में आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। कई संस्थाएं, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपसे, कि वो वेबसाइट्स पे स्टूडेंट की डिटेल शो कराती हैं, कि मीन्स स्टूडेंट्स ने कोर्स किया है, किस दौरान में कोर्स किया है और कितने परसेंट नंबर आए हैं। वो ओनली स्टूडेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन जब बच्चा फॉरेन के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्टिफिकेट लगाता है, वहां पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सेंटर वेरिफिकेशन और मार्कशीट वेरिफिकेशन अलग अलग किया जाता है। वो अलग अलग करने का रीजन क्या होता है कि स्टूडेंट्स तो ओके है, बट सर्टिफिकेट भी इसका है या नहीं है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हमने हर एक तरीके से अलग अलग वेरिफिकेशन दे रखी है। कोई भी हमारा कोई रॉयल्टी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मंथली बेसिस पे स्टूडेंट्स की फीस में से हमारे कुछ पे करना पड़े, कोई हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। राइट टू क्रिएट, आप अपना खुद का ही कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई कोर्स ऐसा है जो आप वहाँ पे करवा रहे हैं और आपको हमारे पैनल में नहीं मिल रहा, तो आप हमारे को वो कोर्स सेंड करेंगे यहाँ पे, तो रिव्यू के बाद में वो कोर्स आपके पैनल में अपडेट हो जाएगा। जो भी प्लान है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने जो 300 की फीस बताई है, अगर आप हमारे को एडवांस में पेमेंट जमा करते हैं, काफ़ी जो इसमें हमने प्लान अलग अलग डाले हुए हैं, तो इसके लिए आप डिस्कशन करते हैं, तो ये 300 की अमाउंट और भी कम हो जाएगी। थर्ड हमारा पी आता है पेमेंट प्लान का, तो हम बात कर ही चुके हैं आपसे, और इसके अंदर हमारे पास में जो बेनिफिट की मैं बात कर रहा था, एग्जाम मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, और आपको फ्री वेब पेज इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, यानी मींस वेब पेज भी आपको मिलेगा। आपको अलग से कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल पे कोई सर्च करेगा डायरेक्टली आपके सेंटर का नाम, तो वहाँ पे आपका सेंटर का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब कुछ बेनिफिट इसको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स को। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जब तक स्टूडेंट स्टडी करेगा तभी मिलेगा उसको, ये लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स का आईडी पासवर्ड मिलेगा। सर्टिफिकेट जो रहेगा गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन कंट्री भी वैलिड रहेगा, मींस ये हर एक टाइप की जॉब के अंदर आप लगा सकते हैं। और आपको इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट अपने वहां से आपको प्रिंट करना पड़ेगा, हेड ऑफिस इन्हीं के पैसों के अंदर 300 रुपये के अंदर ही सर्टिफिकेट जो है आपके एड्रेस पे डिलीवर करेगा बाय इंडिया पोस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन डाउनलोड करना, तो ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी मंथली ऑडिट हम रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको मंथली ऑडिट करना पड़ेगा किसी भी टाइप का। और जो सेंटर की किट आती है हार्ड कॉपी में आपको एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देंगे, वेलकम लेटर देंगे, पेन प्रोस्पेक्टस ये आपको मिलेगा, और सॉफ्ट कॉपी में आपको बैनर के सैंपल, लेटर हेड के सैंपल और सर्टिफिकेट सैंपल और इस तरीके के काफ़ी सारे आपको सैंपल मिल जाएंगे, ये जो आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर मिलेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट अंडर जो आपका रहेगा सर्टिफिकेट के ऊपर, आपके सेंटर का नाम, आपके ब्रांड का नाम, आपका लोगो, आपके सिग्नेचर भी रहे, क्योंकि हम आपके ब्रांड को भी प्रमोट कर रहे हैं। इमैक्स ने अपने आपको प्रूफ कर दिया, इमैक्स ऑलरेडी नंबर 1 पे बना हुआ है, 2000 स्टडी सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर है,
तो आपके ब्रांड को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। ब्रांड को प्रमोट करने का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके ऊपर आपके सेंटर का नाम, लोगो और सिग्नेचर्स आपके रहेंगे, एड्रेस भी रहेगा। तो ये भी हमने एक अच्छा जो सेंटर्स के लिए दिया है, एक अच्छा फीचर्स दिया है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन चेक फैसिलिटी अवेलेबल। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है तो उसके मोबाइल पे एक एसएमएस चला जाएगा, आईडी पासवर्ड चला जाएगा, रोल नंबर चला जाएगा, तो वो वहाँ से साथ साथ में ही रजिस्ट्रेशन अपना चेक कर सकता है। और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास में, ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंट है हर स्टूडेंट्स के आईडी के अंदर ही। हमने एक ऐसा ऑप्शन डेवलप किया है जिसके अंदर जहां पे भी जॉब निकल रहा है, मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, हरियाणा में है, या फिर बॉम्बे में है, या फिर यूपी के अंदर है, तो हम उस जॉब की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो तो नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल देते हैं। अगर बच्चा क्वालिफाई करता है वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकता है और जॉब प्राप्त कर सकता है। हमारे पास 4000 ऑनलाइन टेस्ट हमने डाल रखे हैं स्टूडेंट्स के आईडी के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहेंगे। जैसे कि बेसिक के लिए हमने 50 डाल रखे हैं, टैली के लिए हमने 100 डाल रखे हैं, इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट 400 प्लस ऑनलाइन टेस्ट डाल रखे हैं। ई बुक फॉर स्टूडेंट मल्टी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स के आईडी के अंदर। इसके अंदर जो मिल रहा है बच्चे को ई बुक मिल रहा है और वो मल्टी लैंग्वेज के अंदर है, मीन्स अगर बच्चा हिंदी में स्टडी करना चाह रहा है तो गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है तो वहाँ से वो ट्रांसलेट करता है, यानी गूगल के ऊपर जितनी भी लैंग्वेज मिलेंगी तो उसके अंदर वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टाइप से या फिर जो SCR प्रोजेक्ट होते हैं इस टाइप से काफ़ी सारे आते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। सेल्फ कंट्रोल एग्जाम पैनल में आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपका, मीन्स ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक साल बाद या 6 महीने बाद या 3 साल के बाद आपको कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं देना। स्टूडेंट्स को अंडरवेड ऐप मिलेगी, स्टूडेंट्स और सेंटर्स दोनों के लिए। अपने आप स्टूडेंट्स को सेंटर के ऐप के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी ऐप से भी स्टडी कर सकता है कम्प्लीटली, जो मैंने आपको बताया है। कुछ चांस टू पार्टिसिपेट इन बेस्ट स्टडी सेंटर इन इंडिया, जो हमारा एक कंपटीशन चला हुआ है बेस्ट स्टडी सेंटर ऑफ द इंडिया के नाम से, जिसमें जो भी टॉप पे आता है उसको रिवार्ड मिलते हैं, तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ऑनलाइन इंक्वायरी मैनेजमेंट फॉर सेंटर्स, जो सेंटर्स हैं उनको ऑनलाइन इंक्वायरी मैनेजमेंट का एक फैसिलिटी मिलेगी, जिसके हेल्प से सेंटर अपनी इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हैं कम्प्लीटली, उसको अपने रफ पेपर में या फिर कोई आपको डायरी के अंदर स्टूडेंट्स की इंक्वायरी नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे वो ऑनलाइन आएगा तो ऑनलाइन में ही स्टूडेंट्स की इंक्वायरी डाल देंगे, तो इंक्वायरी मैनेजमेंट ही आपको बताएगा कि कब उसके पास दोबारा कॉल बैक करनी है आपको। अब नेक्स्ट पीस जो मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल टीम, जो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी संस्था का सक्सेस होने का, वो होता है प्रोफेशनल टीम। वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी 3P बता चुका हूँ। अगर आपको 3P के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, तो मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ प्रोफेशनल टीम के लिए। प्रोफेशनल टीम में क्या रहता है कि अगर प्रोफेशनल टीम आपके प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी कि किस तरीके से आपको वर्किंग करना है, कंपटीशन को कैसे फेस करना है, स्टूडेंट को कैसे लेके आना है, स्टूडेंट्स आना बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में रखना बड़ी बात है, तो वो किस तरीके से आप रख पाओगे, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको, मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। टीम वर्क हम एक करते हैं क्योंकि हमने अपने जो काम को 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारा आता है सेल डिपार्टमेंट, सेकंड हमारा है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के नंबर मिल जाते हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के नंबर अलॉट हो जाते हैं। जैसे ही आप हमारे से फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो आप जितने भी हमारी वेबसाइट्स पे लोगो दिए हुए हैं वो सभी लोगो अपने वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपको एक स्टडी सेंटर कोड अपना वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और साथ में पावर्ड बाय इमेक्स एजुकेशन या फिर रन बाय इमेक्स एजुकेशन आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आप अपना यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो मैं बात कर रहा था 4P की, प्रोफेशनल टीम की। सेल डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके आना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन कराएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास में बताएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को वहाँ पे रखना है। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट आपके सर्टिफिकेट को टाइमली आपके इंस्टीट्यूट्स में पहुँचाएगा, 7 दिन का हमारा रहता है, 7 से 15 दिन के अंदर ही आपके एड्रेस पे बाय इंडिया पोस्ट हम यहाँ से सर्टिफिकेट भेज देते हैं। टेक्निकल टीम आपकी 24 आवर्स हेल्प करेगी, जिसके अंदर कोई भी आपको टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई भी पैनल को यूज़ करते टाइम या कोई इनफ को दूसरा इशू आ रहा है तो उसमें आपकी हेल्प करेगी। और इसके साथ में हमारी जो ईमैक्स इंडिया की ऐप है उसका व्यू हमने यहाँ पे लिया है, उसका व्यू कुछ इस टाइप से रहेगा। ईमैक्स इंडिया की ऐप के अंदर होम आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सेंटर्स के लिए लॉगिन देख रहे हैं यहाँ पे आप, और इसके अंदर ही आपको बुक्स मिलेगी। बुक्स का कम्प्लीटली आप डिटेल यहाँ पे चेक कर ही रहे हैं किस तरीके से आपको बुक्स आप रीड कर सकते हैं।
सेंटर लॉगिन पैनल कुछ इस तरीके से रहेगा। ये सेंटर लॉगिन पैनल आप चेक करें, जब आप सेंटर लॉगिन लेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में स्टूडेंट्स एग्जाम जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई, नोटिफिकेशन इनबॉक्स, कॉन्टैक्ट्स, वैलिड ऑल टेस्ट मैसेज, यूजर को आप मैनेज कर सकते हैं, जो मैं आपको बता नहीं पाया था पिछले उसमें। यूजर के अंदर आप यूजर को मैनेज कर सकते हैं, मीन्स आपको स्टूडेंट्स आपके पास वहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स तो अलग से ऐड करेंगे आप, लेकिन जो आपके पास में टीचर्स हैं उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सैंपल है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सैंपल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिन्यूअल सर्टिफिकेट सैंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिन्यूअल का डिफरेंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट रहेगा। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम पे आते हैं, आप लिंक देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस लिंक पे लाइव चलता है, जैसे ही आप टॉप करते हैं तो लाइव हो जाता है और सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट आपकी ईमेल आईडी पे चला जाता है। और आपको हम एक पैनल देंगे, उस पैनल के अंदर भी आपका ये सर्टिफिकेट डायरेक्टली चला जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट के सर्टिफिकेट सैंपल आप वोकेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट सैंपल यहाँ पे देख रहे हैं, सर्टिफिकेट सैंपल विद मार्कशीट और मार्कशीट के साथ में कंसोलिडेट मार्कशीट पे आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल चेक कर रहे हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का सर्टिफिकेट रहेगा, कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट रहेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे, जिसके अंदर आपके सेंटर का नाम, आपका लोगो, आपके सिग्नेचर्स और आपके सेंटर का एड्रेस भी रहेगा, स्टूडेंट्स का फोटो भी रहेगा, ये भी आप कंप्लीट चेक कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारी ईमैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है उसका कुछ व्यू हमने इस तरीके से डाला है, आप emaxindia.in ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल व्यू हमने उसमें डाला हुआ है। और आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको 24 आवर्स आपको हेल्प की जाएगी, आपको पूरी सपोर्ट की जाएगी कि किस तरीके से आपको इसमें आगे अपने इंस्टीट्यूट को टॉप पे लेके जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ओपन करना बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट को ओपन करके उसको टॉप पे कैसे लेके जाए इसके लिए हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो अभी इन्हीं दिए गए नंबर पे आप कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप करके अपनी मेल आईडी, अपनी डिटेल, अपनी लोकेशन शेयर करें तो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, या फिर आप हमारी ईमेक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाके अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो तुरंत आपको हमारी टीम हेल्प करेगी किस तरीके से आप इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, टॉप पे लेके जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, थैंक यू, जय हिंद, जय ईमेक्स।